मेमनोलॉजी के हवाले से आप इनकी खदमात को कैसे अप्रिशिएट करेंगे, जिस तरह उस्मान बाटली वाला साहब इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं? मेमनोलॉजी सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बुनियादी तौर पर तकरीबन 30 साल पहले जब ये कायम हुआ तो हम इसके साथ शामिल थे, और मेमन उस्मान बाटली वाला से मेरा ताल्लुक तकरीबन 40 साल पुराना है। और इसका बुनियादी मकसद जो था कि मेमनों की ऐसी काविशों को सामने लाना कि जो अभी तक हिडन है और लोगों को नहीं पता उनके बारे में, खुसूसन ऐसी काविशें जो कि राइटिंग की सूरत में है, मेमनों की जो सकाफत को प्रिजर्व करना, मेमनों के मुख्तलिफ जो उनके काम हैं उनको एक जगह एग्जिबिट करना, ये इसका बुनियादी मकसद था। और इसके लिए हमने जो है ना वो एक रिसर्च सेंटर पूरी तरह से एक बिल्डिंग के अंदर भी कायम किया था, लेकिन कुछ नागुजीर वजूहत की बिना पर उसको फिर हमने ख़त्म किया, लेकिन ये प्लानिंग में आज भी है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस पर मज़ीद कार्रवाई करेंगे और इस पर कोशिश करेंगे कि एक दोबारा से इसको एक जहत में लेकर चलें जिसके ज़रिए से लोगों तक, खुसूसन नौजवान नस्ल तक वो कुछ पहुंच सके जो कि अभी तक उनको नहीं पता कि मेमनों ने क्या कुछ किया और मेमनों का हेरिटेज क्या है, उस हेरिटेज को प्रिजर्व करना इसका बुनियादी मकसद है। बहुत शुक्रिया आनी साहब।